ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृति धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्त परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जून के अंतिम भाग में कैसे योग बना रहा है। देखिए, जून के अंतिम भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह तो जो आप मान के समझें आपकी राशि के अनुसार से बात करें, शनि महाराज जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं वो होने जा रहे हैं वक्री, जो आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव एक तरह से बड़ा विचित्र भाव, मिस्ट्रियों वाला भाव माना जाता है, और ऐसे में अष्टम भाव के स्वामी यदि वक्री हो जाएं तो यानी आपकी चालें कहाँ कब बदल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। जीवन में चलते चलते कौन सा मार्ग आप बदलने का प्रयास कर लो, यानी थोड़ा सा ट्रैक बदलने का योग दिखाई देता है इस दृष्टिकोण से। ऐसे में मंगल ग्रह पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और मंगल विशेष तौर पर आपके राज्य भाव के स्वामी हैं और वहाँ चल रहे हैं। शनि की दृष्टि वहाँ पड़ रही है जो कार्यों में सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और ट्रैक के एकदम बदलने के कारण से ये समस्याएं उत्पन्न कर सकता है ये समय। तो इसमें विशेष तौर पर आपको सावधानी के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से आपको एक बात और समझने की आवश्यकता है कि आपकी राशि के अनुसार से बुध महाराज जो हैं वो लग्न में आने वाले हैं। बुध ग्रह प्रवेश परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, 12वें भाव से निकलकर आपके उदय होकर वो आपके लग्न में आ जाएंगे। ये आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सुंदर रहेगा। और इसके साथ साथ पक्ष जो आषाढ़ का महीना आरंभ होगा, आषाढ़ के महीने में दो तिथि इस वर्ष हो रही है। एक पक्ष में 12 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, और 15 दिनों में से यदि दो तिथियां क्षय हो जाएं, जो प्रतिपदा भी क्षय हो जाएगी, इस बार चतुर्दशी भी क्षय हो जाएगी, ये अशुभ का योग देते हैं, अशांति का योग देते हैं, प्राकृतिक आपदाओं का योग देते हैं और विश्व में अशांति की तरफ समय जाने का प्रयास हो सकता है। आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव जीवन में देखने को मिल सकता है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं। बरसात का महीना आरंभ होने वाला है, ऐसे में ये विप्लवकारी योग बन सकता है। तो ऐसे में जो लोग घूमने जा रहे हैं कई प्रकार से, उनको बड़ी सावधानी के साथ चलना चाहिए, बहुत चीज़ों को देखते हुए चलना चाहिए और सेवक से अपने शरीर के अनुसार से अपने समय को देखते हुए कार्य करें। तो इसलिए हम बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि कर्क राशि व राशि के अनुसार से समय किस प्रकार का रहेगा, सिलसिलेवार तरीके समझें। 21 तारीख के लिए हम बात करें तो ग्रह नक्षत्रों को दृष्टिकोण से 21 जून को शुक्रवार का अवसर चतुर्दशी तिथि है और इस दिन चतुर्दशी तिथि जो है सुबह 7:30 बजे समाप्त हो जाएगी, उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। और गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है जो आपके लिए धन लाभ की सुबह सुबह सूचना अच्छी देता दिखाई दे रहा है, यानी विचारों के द्वारा सही प्रकार से रास्ता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, लेकिन मन थोड़ा सा अशांत दिखाई देता है। तो पूर्णिमा है उस दिन, मंगल चंद्रमा को ताकत देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। सत्यव्रत, भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा को ही किया जाता है और सत्यव्रत इसी दिन किया जाना है। तो यदि आप चाहते हैं कि चंद्रमा और प्रशस्त होकर बृहस्पति के साथ संबंध बने, उसका पूर्ण लाभ मिल जाए आपको, सत्यनारायण व्रत करके ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, सत्तू जो चूरमा बनाकर सत्यनारायण का व्रत करके उनका पूजन करके कर लीजिए, देखिए मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। शाम को चंद्रमा बदलेगा और वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हो सकता है, तो उससे पहले ही ये उपाय कर लें। चंद्रमा का 6वें भाव में जाना विशेष तौर पर थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन भद्रा है, नए कार प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। सुबह 7:30 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 7:40 तक ये भद्रा का योग रहेगा, तो ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना बहुत ज़रूरी है। ज्येष्ठा नक्षत्र भी विद्यमान है, अगले दिन मूल नक्षत्र है, ये दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं, तो जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। 22 तारीख के लिए हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है और पूर्णिमा तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, उसके प्रतिपदा आ जाएगी, लेकिन अगले दिन के सूर्योदय से पहले पहले समाप्त भी हो जाएगी, तो तिथि हो गई क्षय। तो क्षय तिथि जो है विशेष तौर पर अनिष्टकारी होती है, ध्यान रखें। और ये आषाढ़ का महीना जो आरंभ हो रहा है, इसके पहले पक्ष में ही दो तिथियां एक साथ क्षय हो रही हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चाहे वो शेयर बाजार में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो विशेष तौर पर काम कर रहे हैं
कुछ विशेष तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं और वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है, तो ऐसे में सब ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा तो बहुत जरूरी है ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। चंद्रमा आपका थोड़ा क्षीण है तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, अननेसेसरी एंजाइटी ना बढ़ने दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कॉम्पिटिशन में थोड़ा नुकसान होने के योग बन सकते हैं। 23 तारीख के लिए जो आपको समझना है वो उससे पहले आप उपाय समझ लीजिए, क्या उपाय करने की ज़रूरत। देखिए शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में बैठकर मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, शनिवार का दिवस है तो शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी को वो जरूर प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए क्योंकि मंगल का संबंध हनुमान जी के साथ बहुत विशेष है, मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्मदिवस होता है, तो ऐसे में विशेष तौर पर मंगल को ठीक करिए क्योंकि मंगल ही आपकी शक्ति का केंद्र है इस वक्त और मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल को जो नेगेटिव कर रहे हैं तो हनुमान जी कृपा प्राप्त करके हनुमान चालीसा का पाठ करके सुंदरकांड का पाठ करके आप इस अनिष्ट को दूर कर सकते हैं। 23 तारीख का अवसर रविवार की बात कर लेते हैं, द्वितीया तिथि विद्यमान है और मकर में जाएंगे चंद्रमा रात्रि में करीब करीब 10:45 के आसपास। मकर राशि में जाने के बाद चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से और जो योग बनाते दिखाई देंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा योग बना सकते हैं, लाभ का योग बना सकते हैं, सुंदर योग बना सकते हैं, लेकिन दिन भर तो रहेंगे धनु में ही, तो आज का दिन थोड़ा भारी है, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, बेकार के चक्करों में कहीं घूमने फिरने के चक्कर में कुछ ज़्यादा धन खर्च हो जाए, और गाड़ी वाड़ी जो चला रहे हैं बहुत सोच समझ चलाइएगा, रूल फॉलो करते हुए चलाइएगा, नहीं तो रास्ते में हाथ लगा के साइड में खड़े करवा लिया जाएगा, फिर नुकसान होने के योग बन सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यदि हम 24 तारीख की बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो ये समझ लें सोमवार का अवसर है और तृतीया तिथि है इस दिन, भद्रा का योग है जो करीब करीब दोपहर को 2:24 पर आरंभ होगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है, बृहस्पति पूरी तरह से चंद्रमा पर दृष्टि डाले बैठे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके प्रयासों से वो पॉजिटिव रखते हुए रिजल्ट लाने के योग बन सकते हैं, धन लाभ के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, इनकम में बढ़ोतरी, धन के आगमन की सुंदर सूचना बृहस्पति तो कम से कम देते दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमें साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे में आप बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि शनि का उपाय लगातार करने का प्रयास करना चाहिए आपको, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग देते हैं, जब सफलता में बाधा होगी तो लाभ जो मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, जैसे शनि को अनुकूल करें, शनि को प्रसन्न करें, शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार आ ही रहा है, मंगल का जन्मदिवस भी पड़ रहा है इस दिन, तो समझ लीजिए 25 तारीख को मंगलवार और चतुर्थी का योग जो बनेगा अंगारक चतुर्थी का, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि शनि महाराज को मनाने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कोई रास्ता नहीं हो सकता। अभी हमने शनि जयंती के प्रार्थना आश्रम पर बहुत बढ़िया तरीके से की, 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए, जो शतबार पाठ बढ़ जो ही छोटे बंद महासु कोई, और इस 25 तारीख को मंगल और चतुर्थी का योग जो बन गया है वो हनुमान विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी बन गई है, तो आप कोशिश ये करें क्योंकि शनि को मसन्न करने का प्रयास करें। मंगल तो आपके बहुत अनुकूल चल रहे हैं लेकिन शनि जो है वो मंगल को भी खराब करने का योग बना रहे हैं, उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी अनुन विनय करेंगे तो वो शनि को भी ठीक कर लेंगे। बुध उदय होने जा रहे हैं इस दिन और बुध का उदय होना आपके लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे में हो सके तो थोड़ा सा कन्याओं का निमित्त कुछ दान करने का प्रयास करें, कुछ छोटे बच्चों की पूजन करने का प्रयास करें, स्त्रियों छोटे बच्चों की आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, ये बहुत सुंदर उपाय है, सो करिए देखिए कल्याण के योग बन सकते हैं। 26 तारीख के दिन बात करें, बुधवार का अवसर पंचमी तिथि है और कुंभ में जो चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है ये विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए, ये आपके लिए अनुकूल योग बना सकता है, लेकिन थोड़ी सी एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ा सकते हैं। शनि के साथ जब चंद्रमा की युति होगी तो ये कहीं ना कहीं मन को और ज़्यादा थोड़ा अशांत करने का योग बना सकता है। बृहस्पति पूरी तरह से लाभ देने के योग बना रहे हैं लेकिन चंद्रमा का ये परिवर्तन, इसको आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बुध भी 12वें भाव में बैठकर उदय हो गए हैं अब, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों में खर्चे बढ़ा सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं जैसे आपके हिस्से से दूध से निकाल कर वंचित करने का योग बन सकता है, इसलिए अपने हिस्से को पकड़ के रखिएगा। जैसे दूध में मक्खी गिर जाए तो उसको निकाल के भाग कर दिया जाता है, यानी ऐसे में ध्यान रखिएगा आपका जो हिस्सा है उसको पकड़ रखने का प्रयास करें, चाहे ऑफिस है, चाहे पर्सनल काम है, चाहे चीज़ें हैं, आपके अपने हिस्से की चीज़ें आपको थोड़ा सा संसार उपेक्षा कर सकता है, आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग दे सकता है। ऐसे में अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाना, हल्दी का दान करना, यह उपाय ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बात कर लेते हैं 27 तारीख की, 27 तारीख को षष्ठी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और रोहिणी के नक्षत्र के द्वितीय चरण में बृहस्पति का जो प्रवेश होने जा रहा है चंद्रमा के नक्षत्र में, यह आपके लिए उन्नति के योग बनाता दिखाई देगा।
चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ बड़ा शुभ रहता है और बृहस्पतिवार का अवसर है, पीली चीजों का दान करके इस युग को और शुभ कर सकते हैं। चंद्रमा पूर्ण बृहस्पति पूर्ण शक्ति में इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से वारे न्यारे करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन शनि वहीं पर सफलता देने के लिए बाधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो सही बुद्धि का साथ चाहिए, बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाइए, पीली चीजों का दान करें, केले का दान करें, यह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। 28 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, सप्तमी तिथि विराजमान है और मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश जो हो रहा है यह आपके लिए अनुकूल, भाग्य में जाकर बैठना चंद्रमा का यह बहुत शुभ होता है, धर्म युक्त बढ़ाएगा। लेकिन आपका मन थोड़ा धर्म से भाग रहा है, पूजा पाठ से भाग रहा है, सत्य मार्ग से भाग रहा है, क्योंकि राहु की युति वहां पर विराजमान है। देखिए आपकी कुंडली में एक समस्या है इस वक्त, जितना भजन से दूर भागोगे ना उतना कष्ट उत्पन्न होगा। तो राहु लगातार आपकी कुंडली में चल रहा है, अभी एक साल ही रहने वाला है। भजन से भागिए मत, परमात्मा के नाम से भागिए मत। यदि चाहते हैं शांति, यदि चाहते हैं विजय, यदि चाहते हैं कि परिवार में शांति बनी रहे, सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे, तो पूजा पाठ से भागिए मत, धर्म से भागिए मत, धर्म विमुख मत हो, ये केवल ऐसे दिखाने के लिए मत कीजिए। श्रद्धा अंतःकरण से परमात्मा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब उपाय अलग, ये उपाय एक छोटा सा हमने आपको बता दिया, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है, ये बहुत विशेष तौर पर आपके लिए एक और दुविधा का योग बना रहा है। क्या है पुनर्वसु नक्षत्र? गुरु का नक्षत्र माना जाता है और वहाँ शुक्र का प्रवेश हो रहा है, और शुक्र और बुध दोनों आपस में परस्पर विरोधी बुद्धि के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में बुद्धि को कंट्रोल करना बहुत जरूरी, विचार मतभेद हो सकते हैं, हाँ ना इधर उधर, ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में क्या करें? कालाष्टमी या भगवती दुर्गा की उपासना करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, इस मंत्र का स्तवन करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। 24 तारीख का अवसर शनिवार की तिथि, अष्टमी तिथि विराजमान है और कर्क राशि में बुध का प्रवेश होने जा रहा है। कर्क राशि में बुध जाएंगे, ये आपके लिए सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी तक जो चीज़ें लग रही थी आपके हाथ में नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाद आने वाले समय में बुध का परिवर्तन होकर लग्न में आना आपके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, ये आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन शनि का वक्री होना ये बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा क्या कुछ करने जा रहा है, किस किस क्षेत्र में। आगे आगे देखना पड़ेगा कि तेल की धार कैसी जा रही है। शनि का वक्री होना अष्टम भाव में बैठकर जो योग बना रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शक्ति बढ़ा रहा है शनि की और ज़्यादा, और जब शनि की शक्ति बढ़ेगी तो उसकी दृष्टि भी बढ़ेगी, तो दृष्टि पड़कर वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 30 तारीख का अवसर रविवार की तिथि, नवमी तिथि है और मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने का योग है। चंद्रमा में प्रवेश होने का योग मेष राशि में जो बन रहा है ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा, शक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपराप्रति, क्या व्यक्ति क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। पराप्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका? जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है, यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपत्ति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ, कहां हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहां रास्ता स्मूथ है,
कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो है, वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही है और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो, यानी आपका धन लाभ हुआ, तो सोचो उस वक्त कितने लोगों के को लाभ होने के योग बनेंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े हैं उन सबका भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन कौन सा उनके अनुसार से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति, उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मारा है। आपका भाग्य तो जोर मारा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में, जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे, विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो भाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। तीन चार लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उन्होंने लगा कुछ अशुभ होने वाला है, वो अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति ने, जो पंडित जी थे, उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं? देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें, तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का, हजारों प्रकार की विभिन्न, हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं। वो सब की सब अपने आप में चला, चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संगीता का अलग प्रकार की ज्योतिष, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं, समझा कीजिए उसे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है।
विवेकानंद योग आश्रम हमारे पिताचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलनी विज्ञान के ऊपर, और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं के सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं, जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधी बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास, इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा आँखों की समस्याएँ हैं, आँखों में बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा, ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नई आवश्यकता आपको नग पहनने की, नई आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, सर ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग, ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है, और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है, सूर्य कमजोर है व्यक्ति कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य कर देती है। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है, तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं, हर रोज करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है, आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इसी यज्ञ में सादर तौर पर हम सबको सम्मिलित करते हैं, उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पिछले करीब करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का, माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए। तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए, उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी, आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।